कुढ़नी विधानसभा में आ चुका हूं और यहां पर देख रहे होंगे अभी वीआईपी के नेता, अभी युवा नेता लोग मिले हैं, ये लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जरा हम पूछेंगे इन लोगों से, एक तो प्रवक्ता भी हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? जी मेरा नाम कमलेश हुआ। क्या कुछ कहिएगा, यहाँ का माहौल चल रहा है? माहौल तो पूरा एकदम नाव छाप चल रहा है, नीलाभमय चल रहा है, नीलाभमय हो चुका है कुढ़नी। तीर ललटेन और कमल ही सब ना चलेगा? तीर गया फिर, हाँ आ गुलाब हो गया, मुरझा गया, कमल का फूल मुरझा गया, समझे? अब नावे जो है कि बेरा पार लगा है कुढ़नी का, समझे? हाँ जी, चूंकि जो है कि जनता पूरा जो है ना यहाँ का आक्रोशित है कि भाई कितना दिन जात के नाम पर ठगिएगा, कभी राम के नाम पर, कभी जात के नाम पर। आप लोग भी तो जाते के नाम पे ना वोट ले रहे हैं जी? हम लोग भूमियार भूमियार करेंगे, भूमियार हम लोग की पार्टी कोई भूमियार के नाम पे नहीं है, और न पार्टी जो बनती है वो सारे समाज के लिए बनती है, किसी जात के लिए नहीं बनती है, और हम लोगों का एक ही विचार है, और हम लोग का पूरे कुढ़नी का यही विचार है कि इस बार जो है कि बदलाव होगा, अब की बार युवा ही होगा। चलिए आप बताइएगा, भूमिहार सहनी बोल रहे हैं कि यहाँ पर मिला करके वोट काट लेंगे? नहीं, काट नहीं लेंगे, हम लोग जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हम लोग काटने के लिए थोड़े बने हैं, हम लोग जीतने के लिए पार्टी बनाया और जीतने के लिए चुनाव लड़े, किसी को काटने के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। अरे तीर से जनता का मुंह गया फिर, कमल के फूल भारी भूल, आगे कुआं पीछे खा, या पार लगाने के लिए नाव छपा गई, तो नाव छाप पर जनता को हम लोग पार लगाएंगे। अभी अभी हम आ रहे थे रास्ता से, तो एक गुमटी पे हमको बोला कि जो सहनी वाला खड़ा हुआ है ना, वो वोट काट लेगा इनका, बीजेपी का। सब लोग का, सब तरह का सोच है, लोकतंत्र है, देश आजाद है हुआ है, गुलाम भारत के थोड़े लोग निवासी, इनको हम कहें कि ना हमारे बारे में बोलिए, जो जिसका ओपिनियन है जो बोल रहे हैं, लेकिन हम भी अभी जो क्षेत्र घूम के आ रहे हैं, एक 15 साल जीते, एक 10 साल जीते, लोग बात करते थे हमने सड़कों का जाल बिछवा दिया, कोई पटना, कोई बिहार को नेपाल बनाने की बात करते थे, कोई देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे। आज हम कुढ़नी में जब घूम रहे हैं तो आज तक वहाँ पर एगो सड़क तक के नहीं बना है, नली तक के नहीं बना है, लोग को रहने के लिए घर नहीं है, अगर पानी आ जाए तो हमको लगता है कि उसका फूस के मकान पानी में छतला जाएगा। तो क्या विकास किए इन लोगों से, सवाल होगा, कुढ़नी की जनता सवाल पूछेगी, और इसी के हिसाब से नीलाभ कुमार को वोट देगा, जो नीलाभ कुमार हर बार हर लोगों के साथ, हर समाज के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ, गरीबों के साथ जमीन पे संघर्ष किया, उसका हिसाब है कि नीलाभ कुमार का टिकट मिलते जनता में उत्साह है। अच्छा, इस सहनी जी नीतीश जी का तारीफ करते हैं और नीतीश जी का भी यहाँ पे उम्मीदवार है, तो ये क्या, ये दोनों तरफ का रिश्ता निभाना चाहते हैं? हम लोग दोनों तरफ का रिश्ता नहीं निभाते हैं, जो जैसा काम करता है उसका उस प्रकार से गुणगान करते हैं, जो खराब काम करता है। नीतीश जी के तो गुणगान मुकेश सहनी दिन भर करते रहे, दिन भर कहाँ करेंगे, वो अपना गुणगान करते हैं, वो जनता का गुणगान करते हैं, वो गरीबों को गुणगान करते हैं। अरे हम लोग अपना पार्टी में बढ़ाने के लिए, गुणगान करने के लिए पार्टी बनाए हैं, हम अपना काम के लिए, लेकिन जहाँ पर सवाल आता है कि काम, जब जहाँ पे कोई काम की बात होती है, अगर वहाँ लगता है कि ये काम अच्छा किया गया तो बधाई देने का पात्र बनते हैं, उनका प्रशंसा करने का हम लोग का फर्ज बनता है, तो ये करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि उससे दोस्तियाँ, ना केहू के बैर राजनीति करता है वीआईपी पार्टी, और वीआईपी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ, जनता के आवाज के साथ जमीन पर संघर्ष करता है। कितना दिन से घूम रहे हैं? लगभग हम 5-7 दिन से घूम रहे हैं। 5-7 दिन में क्या कुछ देखे, क्या कमियां यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आए? आज ये पूछिए कि क्या कमी दूर किया गया? एक भी कमी ही यहाँ दूर नहीं हुआ। यहाँ जनता ये बोल रहा है कि ब्लॉक में राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो 1500 रुपया का मांग होता है, इंदिरा आवास नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है, ये तरह का तो समस्या क्षेत्र में मिल रहा है। मतलब भ्रष्टाचार चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे है, लूट खसोट चरम पे है, दलाली ब्लॉक में है, जिला में है, प्रशासन के पास है, इसको से निपटने के लिए जनता ने ठाना है इस बार नाव को चलाना है। नाव चलेगा जी? बढ़िया से चलेगा। कैसे चलेगा? हम लोग मिल के खेबेंगे, हम लोग मिल के खेबेंगे तो काहे नहीं चलेगा, चलेगा ही। भूमियार सहनी समाज दोनों मिलकर देखिए, जातिवाद तो हम कहेंगे तो जातिवाद ना होना चाहिए, अच्छा नेक व्यक्ति चुनना चाहिए, जो हमारे नीलाभ भैया है सबसे नेक और मेहनती। सहनी मुकेश सहनी जी तो कायल खून की सहनी समाज का असली बेटा हम हैं, इसलिए सहनी को हक हम दिलाएंगे, जाति पाति का बात तो वही करते हैं। करते हैं लेकिन ठीक है, मानते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं, एक चीज जानते, सिर्फ नाव छाप को पार लगाना है तो पार लगाना है, बस नाव छाप पार लगे, नाव छाप पार लग गया है। दूसरा नंबर रहता है तीसरा? पहला। उन दोनों से जाके पूछे कि आप दोनों दूसरा पर या तीसरा पर, हम रहेंगे पहला पर, हम रहेंगे 5 दिसंबर के 5 नंबर। देखिए कितना बढ़िया मिला कंटेंट हम लोग को, इन लोग प्रचार कैसे जाके करेंगे, जो इन लोगों से जाके पूछ लीजिए, हमारा कंटेंट भी मिला है 5 दिसंबर को 5 नंबर के नाव छाप पर, वोट दीजिए और भारी मतों से जिताइए। हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं, बचाला है भैया, बचाला बड़ी कुढ़नी के चोरबन से बचाला है भैया, चोर दलाल लुचक्के को भगाइए,
कुडनी के बेटा को कुडनी से जिताइए। अच्छा अभी जदयू और बीजेपी जो खड़ा है, ये दोनों में आपको कुछ अच्छा कौन लगता है? दोनों नहीं, दोनों को जनता ने मौका दे, दोनों जनता के द्वारा नकारा गया कैंडिडेट है। जनता के लिए एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। देखिए ये हमको अभी नजर आ रहा है, फोर लेन जरा विनोद जी दिखाएंगे। ये सनसनाती हुई रोड है, ये एनएच है ना जी, इतना अच्छा रोड बनल है, कैरल हुए कुछ न हो ले। रोडवा के बताइए कि इस रोडवा पे जिसका फोर व्हीलर जिसका मोटरसाइकिल का ओकरे ना फायदा होगा। अब ये जो 20 किलोमीटर दूर में जो लोगवा रहता है मटिया पर चलता है, उसको रोडवे देख के चलेगा? इनका घर नहीं बना है, रोडवे पर रहेंगे, इनके खाने का खाने तो रोडवे खाएंगे। इस पे कितना काम किया गया? अगर सड़क नहीं बनता तो इन लोगों को पैसा कहाँ से आता? तो कुछ करवे नहीं किया गया तो कमाइएगा कहाँ से? मूल मुद्दा जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गली नली, सड़क। सड़क सड़क बनाने से पैसा किसको मिलता है? सड़क बनाने से ठेकेदार को पैसा मिलता है, उस विभाग के मंत्री को पैसा मिलता है। अगर ये भी नहीं बनाइएगा तो कैसे चला पाइएगा सब सिस्टम को? मतलब पॉकेट में जाए पूरा इंजीनियर, पॉकेट गलम होता है। गरीब के लिए काम नहीं हुआ है। हम तो कुडनी के क्षेत्र में अभी घूम के आ रहे हैं, नेताजी वहाँ बौख रहे हैं बरसाती के मेढक क्षेत्र में, टेरर 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 कर रहे हैं आके। जनता जब उनसे सवाल पूछ दे रहा है तब बिलबिला के भाग रहे हैं। तो जनता के सवाल के जवाब दीजिए ना। एक 9 साल से केंद्र में सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए एक पार्टी 17 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन कुडनी के जनता के लिए दोनों ने काम नहीं किया। तो इसका जवाब जब इनसे कोई पूछता है, दोनों इनके नेताओं से जब क्षेत्र में आते हैं, इनके नेताओं से जब सवाल पूछता है, तब बिलबिला के भागते हैं। भागते क्यों? जनता के सामने कीजिए। हम भी कहते हैं कि अगर एक बार जनता इस बार जिता दिया नीलाभ कुमार को, 2.5 साल के बाद काम नहीं किया, तो हम हर गाँव में जैसे यहाँ गरज के बोल रहे हैं, और सही हर गाँव में जाकर के हम जनता के पास गरज के माफी मांगेंगे। उम्मीद के साथ कहते हैं हम काम करेंगे, काम के नाम पे वोट लेंगे हम। कहा जा रहा है कि भूमियार नीलाभ के नाम पे एक होगी, भूमियार या ई जाति पाती, अरे पूरा कुडनी एक हो गया है। जब दोनों पार्टी का टिकट के अनाउंसमेंट हुआ था, कुडनी के जनता के चेहरा पर हंसी उड़ गया था, और जो सही नीलाभ कुमार को टिकट का ऐलान किया गया सन अपना मुकेश सनी के द्वारा, जनता के अंदर खुशी लौट गया। तो अरे जब खुशी है, और ये चुनाव वीआईपी पार्टी और नीलाभ कुमार नहीं, यह चुनाव कुडनी के जनता मान सकते। यही के ना है, नीलाभ कुमार का क्या काम आपको अच्छा लगा है? उसका काम बहुत बढ़िया है, कि इसीलिए कि माने क्षेत्रीय नेता भी है, कोई भी ऐसा काम होता है तो पहले उन पहुंचते हैं, अब पहुँच समाज सेविक है, इसीलिए उनका वीआईपी पार्टी से टिकट मिला। आप स्थानीय हैं? जी जी। क्या कुछ नीलाभ का क्या काम अच्छा लगा? सबसे पहली बात है कि वो 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और इससे पहले भी पूर्व में जो भी विधायक रहे हैं, जीतने के बाद पटना गोर लेते हैं, नहीं तो दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ के जितना आम जनता है वो परेशान रहता था। जब भी कोई समस्या होता था तो नीलाभ भाई सबसे पहले जो है कि वहाँ पहुँचते थे। अच्छा, यहाँ शराब उराब मिला है जी? हम शराब न पीते हैं। आप नहीं पीते हैं? यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है? ए प्रवक्ता जी, हाँ बताऊँ तो आप बोलिए ना। यहाँ चुनाव में इतना प्रचार हो रहा है तो बोतल उतल पहुंचता होगा? वो आप लोगों को भी मालूम होगा बढ़िया तरह से, पूरे बिहार आप लोग घूम रहे हैं। एक कुटनी में थोड़े शराबबंदी है सब, आप शराबबंदी का फैसला कुटनी से थोड़े हो जाएगा। पूरे बिहार आपने भ्रमण किया, आपने देखा होगा क्या हालात है। इस पे सवाल जवाल करने के अभी समय नहीं है, अभी तो कुटनी के विकास में बात होनी चाहिए। कुटनी के जो जनताओं को पिछले 17 सालों से 27 सालों से जो लोग ठग रहे हैं, उनसे बचाने की बात होनी चाहिए। चलिए, ये तमाम लोग ब्याह में खुरपी के गीत पूछवे ना। अच्छा, हम पूछते हैं स्कूल और हॉस्पिटल यहाँ पर सब कैसा है? बहुत खराब है। हमारे पंचायत में एक स्कूल है, वो स्कूल बंद करा गया है, बंद कर दिया गया है। अच्छा, पढ़ाई होता है? पढ़ाई नहीं, पढ़ाई होता है, पर्सनल हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया श्री राजकुमार सहनी जी, उनका पैक्स गोदाम था, उसी में अपनी पढ़ाई हो रहा है। रत्नौली का स्कूल सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया, 1 नंबर वार्ड में, उस पर किसी के नेता का ध्यान नहीं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के तो पूरा हाल खराब है, जहाँ पर जाइए 2 रुपया के साथ ही 10 रुपया लेता है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम कुडनी से, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।